नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साथ में बात करने वाला हूं आप लोगों से पुष्पा फिल्म के ट्रेड कलेक्शंस के बारे में, वो भी 28 डेज के। इस फिल्म की फाइनल फिगर 4 हफ्तों के आ चुके हैं और फ्राइडे में रिलीज होना, फ्राइडे यानी कि आज थिएटर में किस तरह से रिस्पॉन्स करी ये तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज साफ है कि यहाँ पर फिल्म ने अभी तक 28 दिनों में बहुत अच्छा कलेक्शन कर लिया है। पहले हफ्तों में पुष्पा ने, ये थिएटर्स का इसका बता रहा हूँ ट्रेड का, पहले हफ्तों में 27.24 करोड़ तक का कलेक्शन किया, 27.24 करोड़ का। सेकेंड वीक में इस फिल्म ने 20.05 करोड़ तक का कलेक्शन किया 20 करोड़ के ऊपर। तीसरे वीक में 24.62 करोड़ तक का कलेक्शन किया इस फिल्म ने और चौथे हफ्तों में इस फिल्म ने 11.25 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। हमने जो ट्रेड कलेक्शन पकड़ के चले थे डे 22 से डे 25 तक का, जो ऑफिशियल था डे 22 यानी कि फोर्थ वीक के फ्राइडे को 2 करोड़ था, 2 करोड़, फोर्थ वीक के सैटरडे को 2.50 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़, फोर्थ वीक के संडे को 3.25 करोड़ और फोर्थ वीक के मंडे को इस फिल्म का कलेक्शंस 1 करोड़ आया। और तब तक जो ट्रेड कलेक्शंस हुआ था वो 80.64 करोड़ हुआ था, यानी कि हम अगर आज का जो पता चला है फोर्थ वीक के बाद यानी कि 28 दिनों के बाद उस कलेक्शन से मंडे तक के कलेक्शन को अगर माइनस करें 83.14 करोड़ से 80.64 करोड़ तक का, तो हमें कलेक्शन जो बचा हुआ मिलता है वो 3.49 करोड़ तक का मिलता है। यानी कि एक एवरेज रेशियो के हिसाब से भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सैटरडे संडे कलेक्शन में थोड़ी ग्रोथ हुई होगी और उसके बाद ये जो मंडे 1 करोड़ से आप पकड़ के चलो, ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे इन 3 दिनों में इस फिल्म में लगभग 1 करोड़ के आसपास तक की एवरेज अर्निंग की है, ये हम अंदाजन पता लगा सकते हैं। क्योंकि ऑफिशियली कितना कलेक्शंस हुआ है लास्ट 3 दिनों में ये बयान नहीं किया गया है ट्रेड द्वारा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर दिन किसी भी हाल में 80 लाख के ऊपर अर्निंग जरूर हुई होगी, इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो टोटल कलेक्शन हो चुका है ट्रेड के हिसाब से 83.14 करोड़ तक का। कितने खुश है जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।